दोस्तों आज हम एक ऐसी दुनिया में एंटर हो रहे हैं जहां मशीन सोचती है, सीखती है और इंसानों के साथ नए रास्ते भी ढूंढती है। इस दिलचस्प सफर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझाएंगे और उसके बहुत सारे पोटेंशियल को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चाहे आप एक टेक एंथुसियास्टिक हो, एक जिज्ञासा भरी दिमाग हो या बस टेक्नोलॉजी के नए जहान में रुचि रखने वाले हो, आइए हमारे साथ इस एआई की दुनिया में एक मजेदार सफर पर। इस मजेदार एआई सफर पर चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो की अलर्ट आपको मिलती रहे। एआई सिर्फ एक ऐसा बिजी शब्द नहीं है, ये वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंडस्ट्री को बदल रही है और हमारे जीवन को नीचे से ऊपर तक उलट रही है। एआई की धड़कन मशीन लर्निंग है जिससे कंप्यूटर्स डेटा से सीखते हैं। आखिर में एआई चलता कैसे है? एआई की धड़कन मशीन लर्निंग है। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां कंप्यूटर खुद प्रिडिक्ट करते हैं, एडाप्ट करते हैं और फोटोज में चेहरों को पहचानना या म्यूजिक कंपोज करना एक कमाल की चीज है। लेकिन एआई की इतनी जबरदस्त स्किल्स होने के बाद भी उसके कुछ चैलेंजेस है। जब एआई डिसीजन लेते हैं तो ये बायस, नैतिक मुद्दे और जिम्मेदारी के सवालों को उठाता है। इन कॉम्प्लिकेशन को समझना जरूरी है जब हम एआई के बदलते लैंडस्केप को नेविगेट करते हैं ताकि ये सभी मानव जाति के लिए फायदेमंद हो। लेकिन याद रहे, एआई हमारे रेगुलर कामों का हिस्सा बन चुका है। वर्चुअल असिस्टेंट्स जो हमारे जिंदगी को आसान बनाते हैं से लेकर एआई ड्रिवन मेडिकल डिस्कवरीज और कुछ भविष्य की जानकारियां मौसम के बारे में या कुछ ऐसे चीजों के बारे में जिसके बारे में कुछ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बारिश कब होगी, कहां धूप होगी, एक अंदाजा लगा सकते हैं इन मशीन के जरिए से। जब हम आगे की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि एआई इंडस्ट्रीज को रीशेप कर सकती है, प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकती है और हमें उन चैलेंजेस के सॉल्यूशन दिखा सकती है जो हमने शायद कभी सोचे भी ना होंगे। और जब हम भविष्य की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि एआई इंडस्ट्रीज को कैसे बदल सकती है, काम को कैसे ऑटोमेट कर सकती है और हमें नए तरीके मिलते हैं समस्याओं का समाधान निकालने के लिए। एआई के दिल में बसा है मशीन लर्निंग जहां कंप्यूटर्स सीखने की कला को समझते हैं। क्या आप सोच सकते हैं मशीन्स हमारे तरह सोच, सीख और डिसीजन भी ले सकते हैं? चलिए सुनते हैं वो कहानियां जिनमें एआई ने क्रिकेट की स्ट्रेटेजी से लेकर खुद ही कविता लिखने तक हमारे चेहरों पर मुस्कुरान लाई है। लेकिन ये कहानियां कैसे बनती हैं? इसका जवाब है न्यूरल नेटवर्क्स जो एआई के दिमाग की तरह काम करते हैं। इमेजिन कीजिए, हर नोड एक नए राज को खोलते हैं और डेटा को अपनी सोच से समझते हैं। क्या आप सोच सकते हैं एआई भी आर्ट बनाने में माहिर हो सकते हैं? लेकिन जब एआई आगे बढ़ती है तो साथ में चैलेंजेस भी होते हैं। कैसे हैंडल करें वो समस्याएं जो एआई के साथ जुड़ी है। चलिए जानते हैं एआई का इंसानों पर क्या नुकसान हो सकता है। एआई का इंसानों पर एक तरह का नुकसान हो सकता है लेकिन ये मुख्तलिफ तरीकों से होता है और इसका महत्व भी समझना जरूरी है। जैसे कि नौकरियां और रोजगार की संख्या, एआई और ऑटोमेशन के विकास से कुछ ट्रेडिशनल जॉब पर असर हो सकता है। मशीन्स और रोबोट्स के आने से कुछ काम इंसानों के द्वारा नहीं किए जा सकते जिससे लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। नैतिक मुद्दे के बारे में जानते हैं। एआई के एल्गोरिदम में बायस हो सकता है, खासकर जब उनका ट्रेनिंग डेटा किसी प्रकार से बायस्ड होता है। ये समस्या इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन और असमानता को बढ़ावा दे सकती है। चलिए देखते हैं नौकरियों पर क्या असर पड़ सकता है। एआई और ऑटोमेशन के कारण कुछ इम्पोर्टेंट नौकरियां भी घट सकती है, यानी कि कुछ व्हाइट कॉलर जॉब्स भी घट सकते हैं जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स। लेकिन ये भी बात सच है कि एआई ने कई काम नए वजूद में लाए हैं। चलिए जानते हैं नेक्स्ट, प्राइवेसी से रिलेटेड क्या एआई से हमें खतरा है कि नहीं। एआई का इस्तेमाल डेटा को एनालाइज करने में होता है लेकिन इसका भी नुकसान हो सकता है जब हमारी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है या हमारा पर्सनल डेटा गलत इस्तेमाल होने लगता है। चलिए जानते हैं सामाजिक असर क्या हो सकता है। एआई और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से समाज में अलग अलग प्रकार के असर हो सकते हैं, जैसे फेक न्यूज को बढ़ाना, मेंटल हेल्थ के इश्यूज
और पर्सनल कनेक्शंस की कमी। एआई के इस पार्ट वन वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे ऐसे और भी रोचक वीडियोस से जुड़ सके। मिलते हैं अगली बार, तब तक खुश रहिए और जिज्ञासा से भरे रहिए।